बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला की बाबरकत नाम के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ पर भी होंगे ठीक ठाक होंगे, शाश बशाश होंगे। अल्लाह ताला आपको बख़ैर व आफ़ियत रखे, आमीन, और आपके सारे कामों में बरकत अदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, आज जो मैं आपको वाला रिश्ता बताने वाली हूँ, यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। इन बहन का ताल्लुक नवाब शाह से है, लेकिन ये कराची में रिहाइश पज़ीर हैं, नवाब शाह से हैं बेसिकली, और अपनी नानी के साथ ही रहती हैं क्योंकि इनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनकी डेथ हो चुकी है और नानी ने ही इनको पाला पोसा है। और इसके अलावा इन्होंने बीकॉम किया हुआ है, इनकी एजुकेशन कराची यूनिवर्सिटी की है, और इसके अलावा ये कॉल सेंटर में जॉब करती हैं जहाँ पे शिफ्टों में काम होता है। कभी कभी इनको डे टाइम की शिफ्ट में होना पड़ता है, कभी इनको रात की शिफ्ट में भी होना पड़ता है, लेकिन ये चाहती हैं कि जब ये शादी कर लेंगी तो ये जॉब छोड़ देंगी और कोई और जॉब करना चाहेंगी, उस पर टीचिंग या इस तरह की, जिसके साथ ये फैमिली को सपोर्ट कर सकें। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी जगह पे रह रही हैं, अपना घर है इनका, सिर्फ ये और इनकी नानी हैं, और ये शादी के बाद अपनी नानी को भी साथ ही रखने की ख्वाहिशमंद हैं क्योंकि उनको देखने वाला कोई भी नहीं है इनके अलावा। तो अगर आपको ये रिश्ता पसंद आता है, आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, ये खुद आपकी इन्फॉर्मेशन देख लेंगी। और अगर आप ईमेल करना चाहें तो हमारे ईमेल एड्रेस पे आप मेल भी कर सकते हैं। अच्छा जी, एक और बात ये कि जो हमेशा ही मैं कहती हूँ कि अगर कोई रिश्ता आपसे कांटेक्ट करता है या आपका कांटेक्ट किसी से भी होता है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि पहले आपने उनके बारे में सारी मालूमात करवानी है। मालूमात करवाए बगैर आपने अगला स्टेप नहीं लेना, ठीक है? क्योंकि जब तक आप इंफॉर्मेशन किसी बंदे के बारे में पूरी नहीं ले लेते, तब तक आपको उसके बारे में कैसे पता चलेगा कि वो बंदा ठीक है या नहीं है। तो उम्मीद है कि आज का रिश्ता आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।